That means when you are starting with tenses, अगर आप लोग tenses को start कर रहे हो, which is today's topic, you may be having a question, जैसे आपसे question पूछा गया है, sorry, did she went to the mall? अब ये जो question है कैसे आ सकता है? You may be given two kinds of questions, spotting the error. एक आपके हो सकता है आपको ऐसे slashes बना दिए and you may be asked कि किस वाले में गलती है, first में, second में, third में या none of the above. एक ये question है. So now did she is completely right. Did के साथ went नहीं आएगा, यानी कि आपकी जो गलती थी वो टू में था, तो जो आपका ऑप्शन होगा टू आपको उसमें टिक करना. दूसरा आपका आ सकता है, यू मे बी गिवन फोर ऑप्शंस, डिड शी गो टू द मार्केट, डिड शी वेंट टू द मार्केट, डिड शी गॉन टू द मार्केट, तो आपको तब बताना उसमें से कौन सा सही या कौन सा गलत है. यू मे बी गिवन थ्री सेंटेंसेस, फोर सेंटेंसेस एंड यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड द राइट और रॉन्ग वन. तो डिड के साथ हमारा वेंट नहीं आता है. तो आज के बाद व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग टू समबडी डोंट से आई डिड नॉट गॉट, आई डिड नॉट गेट, राइट? सो दिस विल बी द वेरी फर्स्ट. द स्ट्रक्चर सेज सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. देन इन द अफर्मेटिव इट इज वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म. शी न्यू, she went, I completed, they completed. In the negation form it would be did not and verb ka first form. And the same rule is for interrogative, did plus subject plus verb ka first form and then the rest of the sentence. So this is first one, that is simple past. Now we are moving towards continuous. Continuous, अगर आपको sentence में मतलब you are confused कि भाई closing, close filling आ गया है, अब मुझे इसके अंदर past tense पर fill करना है, past continuous करना है, past perfect करना है या past perfect continuous करना है, मतलब you have to identify. तो it is when आपको कुछ ऐसा बताया जा रहा है that the action उस वक्त में it was in progress. Continuous को हम लोग progressive भी कहते हैं. And class CUCET, one more thing, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा tense है. This question has also come. This has come last year जब हुआ था. तो it means subject प्लस, अगर एक इंसान के लिए एक चीज के लिए बात कर रहे हैं तो वॉस, प्लूरल में बात कर रहे हैं तो वर, प्लस वर्ब में आई एन जी लगेगा एंड आपका ऑब्जेक्ट. दिस यू नो, आई नो प्रेटी वेल, बट ये आप कब कब लगाओगे? व्हेन यू थिंक दैट वो जो एक्शन है उस वक्त it was in continuous. For example, when I went to the market, when I went to his house, he was sleeping. वो उस वक्त सो रहा था. तो ये जो हमने sentence को किया है कि जब आप गए थे, yesterday it was raining heavily, मतलब उस वक्त वो action में था, it was not completed. So this is in what we call as affirmative हम बोल सकते हैं या हम इसको positive sentence भी बोलते हैं.
दिस सेंटेंस सेज दैट शी, जो भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट पर्सन वॉज वर्किंग वेरी हार्ड. द पर्सन वॉज वेरी वर्किंग वेरी हार्ड. इसमें आपका नेगेशन इज वेरी इजी. आपको वॉज या वर्क के साथ नॉट लगाना है. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सिंपल सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्क प्लस नॉट एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म. शी वॉज बर्निंग द मिडनाइट लैम्प ऑल थ्रू द ईयर. शी वॉज नॉट बर्निंग. शी वॉज नॉट गोइंग. सिंपल है आपका. इन द इंटेरोगेशन दैट इज क्वेश्चन फॉर्म. एक हम क्वेश्चन हम किसी से भी बना सकते हैं. वी कैन फॉर्म क्वेश्चन विद डिड. वी कैन फॉर्म क्वेश्चन विद वॉज. वी कैन फॉर्म. लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस में बात करें, आपका सेंटेंस बता रहा कि उस वक्त में आपको कोई ऐसा वॉज ही गोइंग टू, क्या वो जा रहा था, तो वॉज या वर क्या वो स्कूल में पढ़ रहा था. वॉज ही स्टार्टिंग इन द स्कूल. वर द बर्ड्स फ्लाइंग. वर द वर्कर्स कंप्लीटिंग देयर वर्क. वर द वर्क वर द मेजन्स बिल्डिंग द डैम. तो जो हमारा समथिंग विच इज पर्टेनिंग दैट द वर्क इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शन, तो हमारा जाता है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव. अगेन आई एम टेलिंग यू कि यू मे बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई आल्सो एंड इट इज इजी बिकॉज जिसमें भी आपका आईएनजी फॉर्म लग रहा है वो आपका इसमें आ जाता है. नाउ द थर्ड वन दैट वी वुड बी डूइंग इज परफेक्ट. परफेक्ट इन past tense is easy. आपका जो perfect है वो past tense में आपका आसान है. Present tense में थोड़ा difficulty है लेकिन past tense में आसान है. The only thing is you all should be aware about the third form of verbs. Subject plus had, क्योंकि हमें और कुछ नहीं लगाना है. Third form of verb and object. Now, some of the verbs have the same form in second and third. Jaise make, made, made. Make, made, made. Hum dono mein made hi use kar rahe hain. Work, worked, work. Lekin kisi kisi mein hamara jo verb hai wo change hota hai. Jaise ki write, wrote, written. Write, wrote, written. Sing, sang, sung. Ring, rang, rung. तो जो हमारे सब्जेक्ट में, जो हमारे वर्ब में चेंज होता है थर्ड फॉर्म में, वो हमारा यहां लगता है. इन वर्ब्स जहां चेंज नहीं है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड मेड अ प्रोजेक्ट. तो यहां हमें नहीं पता है कि जो मेड है वो सेकेंड फॉर्म में भी हम मेड ही यूज कर रहे हैं, थर्ड में भी हम मेड यूज करते हैं. बट इफ वी हैव टू राइट द वर्ड राइट, राइट का थर्ड फॉर्म लिखना है तो शी हैड रिटन अ पोयम. तो यहां हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. यानी कि विद हैव वी नॉर्मली यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हैज, हैव, इन सब के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज कर. द नेगेशन इज अगेन वेरी इजी. यू नीड टू पुट ओनली नॉट. यू नीड टू पुट ओनली नॉट. शी हैड मेड अ प्रोजेक्ट. शी हैड नॉट मेड अ प्रोजेक्ट.
she had not made a project. And in interrogative, again, had plus subject. Had she made a project? If we are talking about some event, if we are talking about some action जो खत्म हो चुका है, क्या वो कर चुकी है, हम हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो क्या ये काम हो चुका है, मतलब the work has been completed. अगर हम present के में बोलते हैं तो we are using present tense, but we are talking about an action in the past, then we use had plus verb का third form. सब्जेक्ट उसमें हमारा जो फर्स्ट फॉर्म था उसके अंदर वी हैड द चेंजेस इन आवर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. हेयर हमारा कुछ चेंज नहीं होता, वी जस्ट एड नॉट. नाउ द लास्ट फॉर टुडे इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आफ्टर दिस नोबडी वुड लॉग ऑफ. When do we use perfect continuous? Again, this particular question comes in the paper. एक आपका जो है simple tense से आता है क्योंकि वो थोड़ा tricky हो जाता है, and second आपके आता from the perfect continuous. Perfect का मतलब है the work which has been completed, हम बोलते हैं, right? And continuous का मतलब है which has not been completed, यानी कि this is completely an oxymoron. Perfect भी है, continuous भी है. So when do we use such sentences? So we use such sentences जब कोई काम start हो गया है and it has not been still finished. It has not been still finished. तो इसके अंदर अगर आप देखो तो perfect भी है, यानी कि has, have, had वाला भी आएगा, and continuous भी है, यानी कि ing भी आएगा. Right now we are talking about past tense, तो हम लोग use कर रहे हैं had. यानी कि वो ये काम तब से कर रही थी, तब से, यानी कि आपके पास में एक duration, एक टाइम आता है, वेदर इट मे बी सिंस और इट कैन बी फॉर. आपका जो सेंटेंस है टू आइडेंटिफाई इट, आपके पास ईदर द सेंटेंस माइट बी कंटेनिंग द वर्ड सिंस और इट माइट बी कंटेनिंग द वर्ड फॉर, तब आपको जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है. मे बी यू आर गिवन द ऑप्शन, she had completed the work, she had been completing the work, तो कैसे कौन सा लगाओगे आप? तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर since या for word दिया है तो आपको अपने ऑप्शन से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को चूज करना. The structure से subject had been, वर्ब का ing फॉर्म, सिंस या फॉर, एंड इन द नेगेशन इट वुड बी हैड नॉट बीन. नाउ से आपके पास एक सेंटेंस है, और आपके पास है वर्कड, हैड वर्कड, वर्किंग एंड हैड बीन वर्किंग. नाउ इफ यू लुक इनटू द सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस को देखो तो सारे ऑप्शंस आपको लगेंगे बिल्कुल ठीक है. समर worked in the company, summer was working, sorry I am using this word was, yahan par
summer was working, summer had worked, summer had been working. अब इसमें कौन सा आएगा? तो जब आपके पास ऐसा सेंटेंस आ गया तो इमीडिएटली यू नीड टू लुक फॉर दिस वर्ड फॉर या सिंस. ईदर देयर वुड बी फॉर और सिंस. तो अगर आपके सेंटेंस में सिंस 2010, आपके सेंटेंस में सिंस 2010, फॉर 10 ईयर्स, ऐसे शब्द आ गए, ऐसे प्रिपोजिशंस आ गए, तो आपका ऑप्शन होगा हैड बीन वर्किंग. समर हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 10 ईयर्स. तो ये आपका जो है, दिस इज हाउ यू विल बी गिवन. नॉर्मली द स्टूडेंट से कि मैम ये तो चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, समर वर्क भी ठीक है, समर वॉज वर्किंग भी ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास आ गया ये. तो द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल ऑलवेज बी हैविंग द प्रीपोजिशन सिंस या फॉर. एंड सिंस इट इज पास्ट टेंस, तो वी वुड बी यूजिंग हैड प्लस बीन. This is what we call as the first structure, that is in tenses, past tense. So today we have done past tense. First we have done affirmative. Affirmative means a simple sentence in the past tense. The problem or the questions normally which is tricky or which are asked is in the negation or interrogative. So jab aap simple past tense use karte ho, इन नेगेशन एंड इंटरोगेटिव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बट सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगता है. इन द प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर्ब और आईएनजी फॉर्म. इन द नेगेशन इट इज नॉट लग जाता है, इन इंटरोगेशन वॉज या वर्ब पहले लग जाता है. परफेक्ट में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. द ओनली थिंग विच यू ऑल हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर इज कि कुछ हमारे वर्ब्स हैं इररेगुलर जो चेंज होते हैं और कुछ हमारे हैं रेगुलर जो चेंज नहीं होते हैं, तो उसका आपको देखना. लाइक मेक, मेड, मेड, पुट, पुट, पुट होता है, पुट पुटन पुटन नहीं होता है, पुट पुटेड पुटन नहीं होता, पुट 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 होता है, कट 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 होता है, तो कट कटेड कटन नहीं होता है. तो आपको ये देखना है कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो मैच कर रहा है आपका. इन द नेगेशन एंड मतलब कि वी वुड बी यूजिंग नॉट, एंड इन इंटरोगेशन हैड हमारा पहले आता है. इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस यू नॉर्मली गेट एन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली, एंड इफ इट इज नेगेशन तो हैड नॉट बीन आ जाता है. एंड इन द इंटरोगेटिव हैड शी बीन आ जाता है. इन नेगेशन हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर. इन द इंटरोगेटिव वी वुड बी हैविंग हैड सब्जेक्ट प्लस बीन then verb ka ing form and since ya form. Had she been working in this office for 10 years? So when we are talking about some time period, hamara sentence jab time period ko relate karta hai, to hum log waha par we are using perfect continuous, yani ki had been plus verb ka ing form. So this is the very first one for today, that is simple past. In the tomorrow section, we would be moving towards first of all present and then future, and then we would be doing the assignment based on that.